आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जीके का। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबों को कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक मी को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? फिर से सुने, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? फिर से सुने, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? ये हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अभिनेत्री को राज्यसभा के लिए सबसे पहले नामित किया गया था? किस अभिनेत्री को राज्यसभा के लिए सबसे पहले नामित किया गया था? ये हो जाएगा नरगिस दत्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है? किस वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है? यह हो जाएगा विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। महापुरुषों में से भारतीय जागृत का जनक किन्हें कहा जाता है? महापुरुषों में से भारतीय जागृति का जनक किन्हें कहा जाता है? ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओलंपिक 2020 किस देश में होगा? ओलंपिक 2020 किस देश में होगा? ये हो जाएगा टोक्यो, जापान में टोक्यो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कीर्ति चक्र अवार्ड 2017 किसको प्रदान किया गया? कीर्ति चक्र अवार्ड 2017 किसको प्रदान किया गया? यह होगा मेजर रोहित सूरी, मेजर रोहित सूरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? यह हो जाएगा 1905। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक साल का कुल जीएसटी क्या कहलाता है? एक साल का कुल जीएसटी क्या कहलाता है? ये जीएनपी कहलाता है। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और मेरे चैनल लाइक मी को सब्सक्राइब कीजिएगा।